नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अक्सर ये होता है ना, जब व्रत आते हैं और 9 दिन के स्पेशली, तो समझ में नहीं आता है रोज़ रोज़ कि आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं व्रत में। तो अब आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक नई वेराइटी लेके आ रही हूँ आपके सामने, और वो है आलू वड़ा। महाराष्ट्र में ये फेमस होता है, बहुत स्ट्रीट फूड होता है, लेकिन वो उसमें बेसन की कोटिंग होती है। यहाँ पर हम बेसन की कोटिंग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं व्रत स्पेशल। महाराष्ट्र में इसको बटाटा वड़ा भी बोला जाता है, इसको बोंडा भी बोला जाता है। वो बेसन कोटिंग वाले होते हैं, लेकिन हैं सभी वड़ा। बहुत ही पॉपुलर फूड होता है ये, स्ट्रीट फूड तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल आलू वड़ा, बहुत ही टेस्टी सा। तो मेरे साथ देखते रहिए ये रेसिपी, बाहर से कुरकुरे अंदर से सॉफ्ट। तो चलिए व्रत वाले आलू वड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं और एक नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बनाएंगे इसके लिए चटनी, क्योंकि कोई भी स्नैक्स बनाएं या कोई भी व्रत के लिए कोई चटपटी भी चीज़ बनाते हैं तो चटनी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसके बिना मज़ा ही नहीं आता। तो इस चटनी के लिए हमने व्रत की चटनी के लिए शिमला मिर्ची ली है, 4-5 हरी मिर्ची ली है और नींबू लिया है, क्योंकि हम ये बिना टमाटर के बनाएंगे, आप टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 इंच का मैंने ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, ताकि चटनी हम बनाएंगे थोड़ी स्पाइसी। और ये पीनट्स लिए हैं फ्रेंड्स, इनको मैंने छिलके उतार करके और अच्छा सा भून लिया है मैंने इनको। आप छिलके रख भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है टेस्ट में। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, डंडी समेत लिया है हमने इसके, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और सेंधा नमक लिया है। तो इन सभी चीज़ों को हम डाल लेते हैं अब चटनी वाले जार में हमारे, चटनी पीसने के लिए। हमारी चटनी देखिए बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी बनने वाली है, और ये हरी मिर्चें भी मैंने इसमें काट ली हैं, आप थोड़ी सी कम भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। नींबू निचोड़ लिया है मैंने इसके अंदर, ये देखिए, और नमक भी इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है। बहुत ही थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि चटनी हम थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी बनाएंगे। आप चटनी अपने हिसाब से थिकनेस रख सकते हैं। ये देखिए हमारी चटनी कितनी टेस्टी और कितनी यमी लग रही है, और कलर देखिए हमारी चटनी का कितना बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, अब बनाएंगे हम इसके लिए मसाला। उसके लिए फ्रेंड्स, मैंने ये कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, थोड़ा सा सिजल हो जाए, फिर उसके बाद हम ये डाल रहे हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर ग्रेट किया हुआ अदरक लिया है, और अब इसमें डाल रही हूँ मैं हरी मिर्च। ये लगभग 4 हरी मिर्ची मैंने बारीक चॉप कर ली है, मैं थोड़ा स्पाइसी सा बना रही हूँ। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़े बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, और ये 3 आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल करके छील लिया है। तो इसको भी हम अच्छे से थोड़ा सा मैश करके इसमें डाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे से भी मैश नहीं करना है, क्योंकि आलू बड़ों के जो आलू होते हैं ना, उसमें कुछ छोटे टुकड़े, कुछ बड़े टुकड़े, सभी तरह के होते हैं। तो सारे आलू मैश करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सेंधा नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे ऊपर नीचे थोड़ा सा। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। लगभग 5 मिनट के लिए बस मैं इसको इसी तरह से खुले में पकने दूंगी, तो खुशबू सी आ जाए थोड़ी सी, सारे मसाले पक जाएं। तो अब इसमें डाल लेते हैं कटा हुआ हरा धनिया। आलू हमारे हो चुके हैं तैयार। ये जो रेसिपी है ना फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया सी क्विक रेसिपी है, और फटाफट से बन के तैयार हो जाती है, और पहले से कोई प्रिपरेशन करनी भी नहीं पड़ती है इसके लिए। ये देखिए हमारे आलू का मसाला रेडी हो चुका है, तो इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जब तक ये आलू ठंडे हो रहे हैं, हम इसके लिए बैटर बनाते हैं आलू बड़े के लिए। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैंने राजगिरे का आटा लिया है, इससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आटा फ्रेंड्स, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं। वैसे बेस्ट रिजल्ट के लिए आप राजगिरे का आटा लीजिएगा। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्ची डाली है, 1/2 चम्मच मैंने भुना जीरा डाला है, और अब मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अनुसार सेंधा नमक। इनको हम मिक्स कर लेते हैं। वैसे राजगिरे के अलावा आप सिंघाड़े का आटा भी काम में ले सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। इस वाले आटे से थोड़े से कुरकुरे और फ्लफी फ्लफी बनते हैं बाहर से, जैसे कि आलू बड़ा होता है ना, वो बेसन वाला, बिल्कुल लगभग वैसे ही बनेंगे ये। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे हम, और इसको बढ़िया सा बैटर तैयार कर लेते हैं इसका। मतलब आपको ये पहचानने में फ़र्क ही नहीं आएगा कि हम ये बेसन वाले आलू बड़े खा रहे हैं या व्रत वाले। बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं ये। 10 मिनट के लिए मैंने उनको रेस्ट करने दिया है। इधर आलू भी ठंडे हो गए हैं, तो इनके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, जैसे कि हम बेसन वाले बनाते हैं ना आलू बड़े, बिल्कुल उसी साइज़ के। ये देखिए टेनिस बॉल जितने बना लेंगे हम ये, और इनके गोले बना करके हम एक साइड में रख देंगे। ये देखिए मैंने थोड़े से गोले बना के रख लिए हैं, ताकि एक पैच हमारा आराम से रेडी हो जाएगा।
बैटर को मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है ये, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि बेसन में क्या होता है बाइंडिंग जो है उसका नेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसको अगर आप ज़्यादा पतला कर देंगे तो तलते समय जो है आलू बाहर आ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा थिक ही रखना है आपको यहाँ पर। तो अब ये देखिए, इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया और डाल लेती हूँ, क्योंकि व्रत वाली चीज़ें क्या थोड़ी फीकी फीकी से लगती है, तो हम कम मसाले होते हैं ना एक्चुअली इसमें, तो थोड़ा सा टेस्ट को एनहेंस करने के लिए मैंने ये डाला है। तेल गरम कर लिया है फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने, अभी हाल फिलहाल तो मैं हाई उसको फ्लेम पर ही गरम किया है मैंने। तो अब ये देखिए, एक बॉल उठाइए और उसको बैटर के अंदर इस तरह से हम डिप करेंगे, ये देखिए, और उसके बाद हम डाल देंगे इसको गरम गरम तेल के अंदर, और उसके बाद में जो है गैस में थोड़ा सा मीडियम कर दूंगी। तो ये देखिए, एक आलू बड़ा हमने डाल लिया है, अब मैं गैस को मीडियम करूंगी ताकि ये डालते ही एकदम जल ना जाए बिल्कुल ही। तो ये देखिए, एक बैच के लिए जो मैंने आलू बड़े तैयार किए थे ना, बस मैं उतने ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जितनी बड़ी कढ़ाई हो उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये देखिए, अब सिकना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बिल्कुल अंतर पता नहीं चलेगा कि हमने ये बहुत ही, बस वो थोड़ा सा जो बेसन का जो टेस्ट है ना, बस केवल उसकी कमी अखरेगी। ये देखिए, हमारे बात करते करते ही आलू बड़े भी सीख गए हैं और बहुत ही यमी यमी से लग रहे हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से। इनको हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं, और ये बाकी के भी सारे मैं निकाल लूँगी इस टिश्यू पेपर पर। कितने टेस्टी लग रहे हैं आप देखिए, लग रहा है कि इनको देख करके कि ये बेसन के नहीं है। ये देखिए, तो अब इनको सर्व कर लेते हैं हम। ये लीजिए, हमारे सारे आलू बड़े सर्व हो चुके हैं। अब साथ में आ जाएगी इसके हरी चटनी जो हमने बना के रखी है, और थोड़ा सा सॉस जो मैंने ये होममेड बनाया है। तो अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे आलू बड़े कितने बढ़िया बने हैं, व्रत वाले स्पेशल आलू बड़े। ये देखिए, कितना टेस्टी लग रहा है और कितना गजब का बना है। इसकी आवाज़ सुनाती हूँ आपको कि क्रिस्पी भी बहुत बढ़िया बना है। ये देखिए, है ना कितना क्रिस्पी है, इतना बढ़िया, और अंदर से भी उतना सॉफ्ट है ये। मैं आपको दिखाती हूँ इसको कट करके, बीच में से बहुत ही सॉफ्ट आलू बड़े बने हैं कि आसानी से कट भी नहीं रहे, देखिए दब रहे हैं हाथ लगाते ही। बहुत ही टेस्टी से आलू बड़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको मेरी ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अब आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम व्रत में कौन सी नई रेसिपी बनाए, तो बनाइए घर पर ये आलू बड़ा और एंजॉय कीजिए गरम गरम क्रिस्पी चाय के साथ आलू वड़ा। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी गुलाबी गुलाबी सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। और मेरा गार्डनिंग चैनल आपने देखा कि नहीं देखा, उसको ज़रूर देखिएगा नए नए प्लांट्स की जानकारी के लिए, उनको मल्टीप्लाई करने के तरीके। तो मिलेंगे फिर एक और व्रत की नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।